प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। जब आपके शो की बुरी खबर आती है तो आप यकीन यही कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अब भाई, प्यार करते हैं, प्यार करना अलग है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना उससे ही बड़ी बात है। यानी कि वॉच ऑन टीवी वी दैट। ऐसे में टीआरपी आने से पहले बहुत सारे शो की बुरी खबर आ जाती है, नई बात नहीं है, लेकिन उस दिन गूगल डाल ही देता है कि भैया इन शो की आ गई है बुरी खबर। तो ऐसे में फैंस को लगता है ये तो पहले से ही पता था, लेकिन उसमें एक दो शो और ऐड हो जाते हैं तो लगता है यार इनका भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपके प्यारे से पांच शो की, और सारे टॉपर चैनल में हैं। ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हैं सारे स्टार हैं, पर स्टार का भी है, कलर के सारे नहीं है, कलर का भी, ये बहुत से ऐसे शो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो हैं वो शो कौन से हैं जिन पर टीआरपी आने से पहले ही बिजली गिर गई? बिजली गिरी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोनी के मेहंदी है रचने मेहंदी वाला घर, शो जो है बंद हो रहा है, जो कि सबसे अच्छी टीआरपी दे रहा था अकॉर्डिंग टू काव्या पुकार जुबिली टर्कीज, उन सबसे बहुत अच्छी टीआरपी दे रहा था, बट शो बंद कर दिया। ऐसे में जो है एक्टर खुद शो के हैं, हमारा शो बंद हो रहा है, ये चीज़ उन्होंने खुद सोशल मीडिया में बोला है। तो ऐसे में अब टीआरपी 0.4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, नो मैटर। बात आती है आपके दूसरे बड़े शो की, वो है आपका जी टीवी का शिव शक्ति तप और शिव शक्ति, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। ऐसे में ये शो जी टीवी का टाटा पाए कर रहा है। बहुत दिनों से न्यूज़ चल रही थी बंद होगा बंद होगा बंद होगा, आखिरकार इसने लास्ट एपिसोड कर लिया। अब टीआरपी चाहे 0.7 आ जाए, 0.9 आ जाए, इट्स नॉट, फाइनली उन्हें पता चल चुका है इतने ट्विस्ट देकर टीआरपी नहीं बढ़ी तो बाद में ही क्या बढ़ जाएगी। फिर आता है जी टीवी का मैं हूँ साथ तेरे, अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ था। अब कहानी रचनी शुरू हुई है जहाँ पे शादी ट्रैक दिखाया है। इन लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया था शादी ट्रैक, प्रोमो में तो ऐसा लगा था बस बच्चे को लेकर एकदम शादी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रोमो में शुरू में नहीं दिखाया था शादी ट्रैक, लेकिन जो दिखाया था बच्चे का और जो कोई स्कूल में पढ़ाते हुए भी कुछ फीलिंग ऐसी हुई थी कि जल्दी ही शादी हो जाएगी, लेकिन वो जल्दी शादी इतनी देर में होगी ये नहीं पता था, इसीलिए शायद जो है फैंस के दिल तक ये शो नहीं पहुंचा। और अब इस शो का कुछ भी हो सकता है, फिलहाल जो है खबर आ रही है कि इसकी टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और ये शो बंद किया जाएगा या फिर इसकी स्लॉट चेंज कर कुछ टाइम इसे वहाँ पर रखा जाएगा। फिर आपका चौथे नंबर पर कौन सा शो है यार? आप कहेंगे मैम बता ही दीजिए ना, अरे हम तो बताने के लिए तैयार है। वो है ये है चाहते, टीआरपी आने से पहले ही उसकी स्लॉट जो है ट्रांसफ़र कर दी 6:30 पे। ऐसे में फैंस का कहना है कि यार इतने अच्छे खासे शो को आपने 6:30, और आप जानते हैं स्टार प्लस का 6:30 कितनी अच्छी टीआरपी दे रहा है आजकल के दिनों में। तो ऐसे में जो है यह चाहते बस वहाँ पर जाकर टाटा बाय करेगा। ऐसे में स्टार प्लस के बहुत सारे शो की स्लॉट चेंज होने वाली है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं होने वाली है, बहुत सारे शो की स्लॉट चेंज होने वाली है। तो ऐसे में जो है स्टार प्लस ने सबसे पहले यह चाहते का नाम दे दिया, ऐसे में फैंस पैनिक हो रहे हैं। फिलहाल जो है अब ये बड़ा सफ़र नहीं करेगा। अब बात करते हैं आपके नंबर 5 की पोजीशन पे कौन सा शो है, वो कौन सा शो है जो नंबर 5 पे बनाई है अपनी जगह खतरे की लाइन में, वो है आपका मिस्ट्री। वैसे आपको बता दें कलर पे 3 शो की स्लॉट चेंज होने वाली है, न्यूज़ आ चुकी है, अभी नाम नहीं आया, बस 3 शो की स्लॉट चेंज होगी। तो ऐसे में फिलहाल मिस्री की न्यूज़ आई है कि मिस्री जो है 8:30 पे इन्होंने डिमांडेड में डाल दिया है। अब उस शो को ऑफ तो नहीं करेगा बट स्लॉट चेंज करेगा, 6:30 पे भी डाल देगा तो वहाँ पे टीआरपी अच्छी निकाल लेगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि एट दिस टाइम जो ट्रैक चल रहा है। तो ऐसे में ये 5 शो हैं जो कि टीआरपी आने से पहले ही बुरी खबर में छा गए हैं। इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।